क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम आखिरी सांस लेते हैं तो क्या होता है? क्या यह लाइफ वहीं पर एंड हो जाती है या यह एक नई शुरुआत की ओर संकेत होता है? हजारों सालों से हम इंसान इसी क्वेश्चन से जूझते हुए आए हैं एंड इसी जगह से एक नई चीज जन्म लेती है, रिवर यानी कि पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट सबसे पहले भारत के इंसाइंट वैदिक कल्चर में जन्मा, एरा यानी कि वैदिक काल, जहाँ पर यूनिवर्स के अनंत रहस्यों को समझने की कोशिश की जा रही थी। वहीं पर एक प्रिंसिपल सामने आया कर्म और पुनर्जन्म का। उपनिषदों में यह क्लियर किया गया है कि हमारा कर्म हमारा हर छोटा और बड़ा कार्य यह तय करता है कि हम अगले जन्म में कहाँ और कैसे जन्म लेंगे। बट यह आइडिया केवल प्राचीन मान्यताओं तक सीमित नहीं रहा, मॉडर्न साइंस भी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में दिलचस्पी रखता है। पिछले 40 सालों से डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जैसे साइंटिस्ट रिबर्थ की यादों पर स्टडी कर रहे हैं। दुनिया भर में सैकड़ों बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने अपने पिछले जन्म की बातों को याद किया। कुछ बच्चों की कहानियाँ इतनी सटीक थी कि उनकी तुलना मृत व्यक्तियों के जीवन से की गई एंड हैरानी करने वाली बातें सामने आई। डॉक्टर स्टीवेंसन का रिसर्च बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ना ओनली केवल बच्चों की कहानियों को सुना बल्कि उनके शरीर पर मौजूद जन्म के निशानों को भी पिछले जन्म के घावों से जोड़ा। कभी कभी तो बच्चों की यादें और मृत व्यक्ति के जीवन का विवरण इतना मेल खाता था कि यह क्वेश्चन उठने लगा कि क्या यह एक मैच संयोग था। स्टीवेंसन के बाद कई साइंटिस्टों ने इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश की। जिम टकल, एंटोनिया मिल्स एंड अदर रिसर्चर्स ने दुनिया भर के मामलों की स्टडी की। इन साइंटिस्टों की रिसर्च ने यह साबित किया कि पुनर्जन्म पर और डीपली स्टडी करने की आवश्यकता है। बट कुछ लोग इस रिबर्थ की घटना को मानते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं मानते। भारत के अलावा रिबर्थ का विचार प्राचीन यूनान में भी मौजूद था। पाइथागोरस, प्लेटो एंड यादक के ऑर्फिक मिस्ट्रियस स्कूल्स ने भी रिबर्थ पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्लेटो ने अपनी फेमस रचनाओं में पुनर्जन्म का जिक्र किया, जहां आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद एक नए शरीर की ओर अग्रसर होते हुए दिखाया गया। मिथ ऑफ एयर जैसी स्टोरीज इस ओर इंडिकेट करती हैं कि आत्मा अपने कर्म के आधार पर अलग अलग जीवन जीती है। प्लेटो की रचना फेडो में उन्होंने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मरने के बाद फिर से जीने का कोई रहस्य है, मृत्यु से ही जीवन उत्पन्न होता है। रिबर्थ का विचार कई कल्चर्स और धर्मों में अलग अलग रूपों में पाया गया है। इजिप्ट से लेकर भारतीय सब कॉन्टिनेंट तक आत्मा की यात्रा को समझने के प्रयास किए गए हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को संसार का हिस्सा माना गया है, एक साइकिल जिसमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म होता रहता है। सनातन धर्म, बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म में पुनर्जन्म के अलग अलग व्याख्या है, बट इन तीनों में एक बात तो समान है, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का यह चक्र। क्या यह चक्र कभी रुकता है? आज के मॉडर्न टाइम में भी रिबर्थ का कॉन्सेप्ट उतना ही मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स है जितना कि सदियों पहले था। मॉडर्न साइंस इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। कुछ इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ इसे गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या रिबर्थ रियल है या ओनली एक काल्पनिक विचार है? इस अनसॉल्वड मिस्ट्री के पीछे क्या है? शायद हम इसे कभी न जान पाए, बट क्वेश्चन अभी भी है, आखिर डेथ के बाद क्या होता है? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। वैसे आप क्या कहना चाहते हो रिबर्थ के बारे में कमेंट में जरूर बताएं।